अस्सलाम वालेकुम पार्क व्हीलर्स, वेलकम टू अनदर सेगमेंट ऑफ पार्क व्हील्स डायरीज, जिसमें हम आपके लिए डॉज चार्जर SRT8 का वॉक अराउंड लेकर आए हैं। अमेरिका में मसल कार कल्चर मिड 1960s में स्टार्ट हुआ था और आज भी 50 साल बाद डॉज की ये चैलेंजर और चार्जर जैसी गाड़ियाँ इसी कल्चर को लीड कर रही हैं। अब तक डॉज चार्जर की 7 जनरेशन आ चुकी हैं और ये स्पेसिफिक गाड़ी इसकी 6th जनरेशन है, जो कि 2005 में डेब्यू हुई थी और 2011 तक प्रोडक्शन में रही थी। ये वाली जनरेशन क्राइसलर के एलेक्स प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जिस पर क्राइसलर की 300C और डॉज की चार्जर और चैलेंजर जैसी गाड़ियाँ शामिल होती हैं। चार्जर की इस जनरेशन में 4 इंजन ऑप्शन आती हैं, एक 2.7 लीटर V6, 3.5 लीटर V6, एक 5.7 लीटर V8 हेमी और इसका SRT8 वर्जन, जो कि इसका टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है, जिसमें 6.1 लीटर हेमी V8 आता है, जो कि 425 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। उस टाइम पर ये क्राइसलर का आज तक का सबसे पावरफुल इंजन था। जैसे BMW की M-सीरीज़ होती है और Mercedes की AMG-सीरीज़ होती है, उसी तरह डॉज की SRT-सीरीज़ होती है, जिसका मतलब स्पोर्ट्स एंड रेसिंग टेक्नोलॉजी है, और इसके 8 का मतलब है कि इसका इंजन V8 है। SRT वर्जन में कुछ डिफरेंट चीज़ें आती हैं। एक्सटीरियर पर SRT8 की बैजिंग, ब्रेम्बो ब्रेक्स, माइनर इंटीरियर एक्सटीरियर चेंजेस, 20-inch रिम्स और ऑब्वियसली इसका 6.1 लीटर हेमी V8 इंजन। इस गाड़ी का वेट तकरीबन 2 टन है और रेयर व्हील ड्राइव के साथ ये गाड़ी 4.9 सेकंड्स में 0-60 माइल्स पर आवर तक जाती है। इंटीरियर में भी कुछ ऐसा ही है कि आपको SRT8 बैज्ड लेदर सीट्स और डैशबोर्ड मिलता है, लेकिन ज़्यादा सीरियस काम इस गाड़ी की परफॉर्मेंस पर किया गया है। इसका 6100cc इंजन 425 हॉर्स पावर और 420 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि इस गाड़ी को 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 4.9 सेकंड्स में 0-100 पहुंचाता है। इसकी टॉप स्पीड 280 किलोमीटर पर आवर है। उसके अलावा इसकी ट्यून सस्पेंशन है और इसकी हाई परफॉर्मेंस ब्रेम्बो ब्रेक्स हैं, जो इस गाड़ी को 100 की स्पीड से स्टॉप कर देती है 120 फीट के अंदर। इस स्पेसिफिक गाड़ी में एडलब्रॉक का सुपर चार्जर भी लगा हुआ है और इसकी सारी मॉडिफिकेशन और इसकी ट्यूनिंग मैक्स पावर मोटरस्पोर्ट्स लाहौर से हुई है। इस गाड़ी का ओरिजिनल कलर भी ब्लैक है और इसके ऊपर येलो रैपिंग भी मैक्स पावर मोटरस्पोर्ट्स ने ही की थी। उसके अलावा इंटीरियर में आपको इलेक्ट्रिक लेदर सीट्स, फ्रंट एंड रियर इंफोटेनमेंट स्क्रीन्स, क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग कंट्रोल्स और सनरूफ मिलती है। आजकल एक ब्रांड न्यू डॉज चार्जर की प्राइस $30,000 से स्टार्ट होती है और इवन $100,000 तक इसकी प्राइस जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट।